दोस्तों, गए 10 सालों में भारत देश में 3 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। क्या ये बात आप मान सकते हैं? ये समाचार अगर विश्व के किसी भी न्यूज़पेपर में छप जाते कि 3 किसानों ने आत्महत्या की है तो वो फ्रंट पेज न्यूज बन जाते। और भारत में एवरेज रोज 46 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में सरकारी रिकॉर्ड ये कहते हैं, वहाँ गए 5 सालों में जितनी भी आत्महत्या हुई है उसमें से 30% किसान थे। और उनमें से कई किसानों के पास 2 से 3.5 एकड़ तक जमीन थी। ये हम लोगों के लिए डूब मरने वाली बात है। आज महंगाई के क्या हम सही मायने समझ पाए हैं? 10 रुपया किलो से अगर प्याज या टमाटर के दाम बढ़ जाते हैं तो सरकारें गिर जाती हैं, जबकि सिनेमा के टिकट 100 रुपये से 300 रुपये हो गए तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। 125 करोड़ भारतीयों का पेट भरना कोई आसान काम नहीं है। आज हम अनाज इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मुख्य कारण है भारत का एक खेती प्रधान देश होना। 2008 से लेकर 2016 की मंदी में, विश्व मंदी में से अगर भारत किसी तरह बच पाया है तो उसके दो ही मुख्य कारण हैं। एक उसका एग्रीकल्चरल बेस और दूसरा उसका मैन्युफैक्चरिंग बेस। लोग कहते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध अनाज के लिए हो सकता है। सोचिए वो दृश्य, अगर किसान ने अपनी जमीनें बेचकर खेती करना बंद कर दिया तो क्या होगा हमारा? आज विज्ञान ने बहुत प्रगति कर ली है, हजारों सालों में लाखों आविष्कार हुए हैं, लेकिन अभी तक दुनिया में ऐसी कोई लेबोरेटरी नहीं है दोस्तों जिसमें खून या अनाज बन पाया हो। अनाज आता है धरती से और वो हमें देता है एक किसान। तो अगर किसानों की तरफ दुर्लक्ष किया तो ये हमारे फ्यूचर की तरफ दुर्लक्ष हो सकता है। तो अगर हमारे फ्यूचर को सिक्योर करना है तो ये हमारा दायित्व है कि हमारा किसान सेफ गार्डेड रहे, सिक्योर रहे और सिक्योर फील करे। तो आज से जब भी हम बाजार में जाएंगे, कोई खेती प्रधान वस्तु खरीदेंगे तो उसके सही दाम देना बहुत ज़रूरी है, किसानों को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। आपको कॉटन गुरु का नमस्कार। जय जवान, जय किसान।